Happy Mother's Day to every mother out there. जितनी भी हमारी जितनी भी जो भी जो भी मदर है टू देयर चाइल्ड या फिर जितने भी बड़े हो गए हैं. नो, मदर्स हैव दैट स्पेशल स्टेटस इन आवर लाइव्स एंड इट शुड बी देयर ऑलवेज. इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मदर्स डे. एवरी डे आई थिंक इज़ अ मदर्स डे बिकॉज जितना भी हमारी मम्मियाँ या फिर जितने भी हमारी माँ हमारे लिए कुछ करती है, आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी कर सकता है, राइट? इस बार यार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही एक यू नो वो एक एक तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेती थी मम्मी कुछ भी करती थी कि चलो ठीक है यार मम्मी तो बस खाना बनाती है मेरे लिए, लेके आती है टेबल पे या फिर मेरे कमरे में लेके आती है. बट आई थिंक उससे ज़्यादा तो मैंने कभी हार्डली मैंने इस चीज़ को मतलब मैं अप्रिशिएट करती थी कि मम्मी इतना कुछ करती है ऑब्वियसली. सो मैं क्या बोल रही थी, आई एम सॉरी. तो इतना सब कुछ मम्मी करती है. बट मतलब इस हफ्ते जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आई वॉज़ यू नो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, एक्सट्रीम लेवल की बीमार थी मैं. बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंडीशन काफ़ी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो थैंक यू मम्मी, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए. मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी, आप मुझे इनफैक्ट वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रही थी, मेरी टांगे तक नहीं चल रही थी. आप किस तरीके से मेरा फेस धोते थे, मुझे ब्रश करवाते थे, मुझे ऐसा बोलते थे, मतलब मैं इतना रोती थी कि मम्मी मुझे क्या हो गया, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. आपने मुझे हौसला दिया, मेरे लिए खाना टाइम पे लाते थे, मुझे मुझे सूप देते थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, ये खाओ वो पियो वो करो ये करो, इतना सब ध्यान देने के लिए. मम्मी मम्मी आई लव यू सो मच. और इस बारी तो मैं इतना कुछ कर भी नहीं पाऊंगी. पिछली बारी थोड़ा आपके लिए कार्ड वगैरह बनाया था और फ्लावर्स भी आपको गिफ्ट किए थे. बट इस बारी मैं थोड़ा बीमार हूँ तो बट इस बारी भी मैं थोड़ा 1-2 दिन के बाद कार्ड बनाऊंगी आपके लिए. एंड थैंक यू सो मच माँ. आप फिर आपने मुझे डॉक्टर के पास भी लिया सिंगल हैंडेडली और हैंड यू नो यू हैव हैंडल्ड मी फॉर ऑलमोस्ट नाउ इट्स बीन नाउ 7-8 ईयर्स. तो थैंक्स फॉर यू नो एट टाइम्स यू जस्ट बिकम बोथ मॉम एंड डैड टू मी. ये कभी भी फील ही नहीं होने दिया. जब भी मैं कभी बोलती थी कि यार डैड की कमी फील हो रही है या फिर ऐसा कुछ, तो आप हमेशा बोलती थी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. तो थैंक यू माँ इतना इतना स्ट्रांग बनने के लिए और मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए. मुझे इतना मैं मतलब इतना इतना ज़्यादा केपेबल बनाने के मुझे मैं खुद अपने डिसीजंस ले सकूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है वो सब मुझे करने देने के लिए मम्मी. तो इस हफ्ते मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको देखा, आपने उफ तक नहीं किया. जिस अभी अभी मतलब मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए बट उल्टा हो रहा है. आप मेरी इतना ज़्यादा आप मुझे यू नो मेरा ख्याल रखते हो और इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए. मुझे मैं इतना रोती थी तड़पती थी कि मम्मी ये क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया मुझे. बट आप बोलते थे कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, तुम दवाई खाओ तुम देखो तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है. तो अगर आप नहीं होती शायद इस हफ्ते तो मैं मुझे नहीं लगता मेरा क्या हाल हुआ होता. मैं मतलब मैं तो बिस्तर में ही पड़ी होती मैं अभी तक. सो थैंक यू मम्मी. और आप भी अपने अपने मदर्स को विश कीजिए, उनके लिए कुछ गिफ्ट उनको कुछ गिफ्ट दीजिए. अभी काफ़ी स्पेशल ओकेजन है. सो गिफ्ट देम सम कार्ड्स या फिर कोई सूट या फिर जो भी आपकी मम्मी को अच्छा लगता है. मेरी मम्मी को तो स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ठीक हो जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं किसी बेकरी के पास उनके लिए उनकी फेवरेट जो बर्फी है वो लेके आऊँगी. एंड यस मम्मी, तो आप हमेशा मुझ पे इतना भरोसा करते हो, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ कुछ भी कर रही हूँ. आपको पता है कि सुमाया किसी काम से बाहर गई होंगी या फिर कुछ कर रही होंगी. तो थैंक यू मुझे वो सारी फ्रीडम देने के लिए और
और मुझे खुद के डिसीजंस खुद से लेने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। आपने जितनी भी सैक्रिफाइसेस मेरे लिए किए हैं, दे विल बी वर्थ इट इंशाल्लाह। और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आप खुद के लिए अच्छा नहीं करती, मतलब आपको खुद अच्छा कोई अच्छी चीज़ लगती है, आप वो नहीं लेती, आप सोचती हो कि नहीं मुझे अच्छा होना चाहिए, या फिर पैसे बचाएंगे कल को तुम्हारी पढ़ाई में लगेंगे, या फिर कुछ ऐसा, तो आगे ज़रूरत लगेंगे पैसे। तो हमेशा मुझे मतलब मैंने देखा कि आपने कितना सब कुछ सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, इनफैक्ट हम सब के लिए। सो यू आर द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन, एंड आई थिंक एवरी मदर इज़ वेरी स्ट्रांग, क्योंकि जब जब आप एक बहुत यू नो एक बच्चे के लिए, एक बच्चे की एजुकेशन के लिए आप इतना कुछ करते हो, इतने ज़्यादा कंसर्न्ड होते हो, सो अल्टीमेटली इट विल बेयर फ्रूट्स इंशाल्लाह। सो यस, सो डू टेल योर मदर्स हैप्पी मदर्स डे, एंड लेट मी नो आपने अपनी मम्मियों के लिए क्या गिफ्ट किया उनको, एंड उनको कैसे फील कराया आज के दिन। कुछ ना कुछ तो ज़्यादा नहीं तो उनके उनका काम आप, मैं तो वैसे बीमारी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो उनका हाथ बटाइए आज किचन में, लेट जस्ट मेक देम देर फेवरेट फूड, दे माइट बी हैविंग सम फेवरेट फूड, सो मेक दैट फॉर देम, एंड या गिव देम अ हग, गिव देम अ किस ऑन देयर चीक, और बाय देम सम स्वीट्स और एनी सूट, वट एवर दे लाइक, या इज़ देयर डे टू डे। आई थिंक एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, जस्ट यू नो इट इज़ एन ओकेजन वेर वी सेलिब्रेट इट विद फुल एंथ्यूजियाज्म। सो थैंक यू सो मच मम्मी, आई लव यू, एंड आई लव यू सो 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 मच। यू मीन यू रियली मीन अ वर्ल्ड टू मी, आई मीन यू आर द मोस्ट डियरेस्ट पर्सन टू मी, फर्स्ट इज अल्लाह सुबहाना वताला, देन इट्स यू, या सो थैंक यू सो मच। एंड यू नो मेनी पीपल से दैट यू आर काइंड, यू आर दिस, यू आर दैट, इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर, शी इज़ ऑल्सो ऑफ दैट नेचर, आई मीन वी शी ऑल्सो फील्स द पेन ऑफ अदर, शी इज़ वेरी कंपैशनेट, सो यू नो इट गेट्स वट टू से, इट पासिस टू योर जेनरेशन, जैसे आपकी माँ होंगी आप भी वैसे ही होंगे, बिकॉज शी इज़ योर रिफ्लेक्शन, राइट? सो या सो आई एम रियली ब्लेस्ड विद अ वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, एंड थैंक यू मम्मी, आई लव यू अ लॉट।